हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे आलू और मटर की सब्जी बिल्कुल ही सिंपल तरीके से। तो ये देखिए, आलू मटर हमने ले लिया है, एक पाव हमने आलू ले लिया है, 500 ग्राम हमने मटर ले लिए हैं, और ये देखिए हमने मीडियम साइज की प्याज ले ली है, और ये जो है 3 टमाटर हमने ले लिया है। आप अपने स्वाद अनुसार टमाटर डालिएगा, लेकिन टमाटर क्या है कि डालने से थोड़ा सब्जी बहुत ही बेहतरीन बन जाती है। और ये देखिए, अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का हमने पेस्ट ले लिया है, और हम इसमें गरम मसाला वगैरह कुछ नहीं डालेंगे। तो देखिए, हमने सरसों का तेल डाल दिया है। अब हम 4 दाना इसमें मेथी ऐड कर देंगे। मेथी डालने के बाद मेथी हमारी जो है चटक चुकी है। अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे, प्याज को हम लाल करेंगे, और फिर हम इसमें मसाला डाल देंगे। ये देखिए, जो अदरक लहसुन का हरी मिर्ची का हमने पेस्ट बनाया था, उसमें हम एक मैगी मसाला भी डालेंगे। इससे क्या है कि सब्जी का स्वाद जो है बढ़ जाता है, बहुत ही टेस्टी बनती है। एक बार आप भी इसे ट्राई करिएगा। तो प्याज देखिए लाल हो चुकी है। अब हम इसमें ये मसाला ऐड कर देंगे, और थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देंगे, और इसे मसाले को अच्छे से भुनाई करेंगे। तो ये टमाटर भी हम ऐड करेंगे। तो अब हम इसमें हल्दी 1 स्पून डाल दिया, और ये स्वाद अनुसार हम नमक मिला देंगे, और इसे भी हम सब्जी मसाले में डाल देंगे। और इसे हम अच्छे से भुनाई करेंगे टमाटर भी, ताकि अच्छे से जो है टमाटर भी मिक्स हो जाए हमारा। तो ये देखिए सोया है, ये हरी धनिया नहीं है। अब हम इसे भी मसाले में ऐड कर देंगे, ताकि मसाला जो है मसाले में सोया भी जो है अच्छी तरह से भून जाए। और मसाले की हम बिल्कुल बढ़िया तरीके से भुनाई करेंगे। देखिए भून रहा है मसाला, इसमें बढ़िया से खुशबू आ रही है। लेकिन मसाला हम जितना ही अच्छा भूनेंगे, उतनी ही सब्जी हमारी बहुत अच्छी बनेगी। तो मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम इसमें आलू और मटर ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं, अब हम इसमें पानी नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि मसाले में जो था पानी, अब हम इसे 1 सीटी आने देंगे, और हम कुकर को पैक करेंगे। तो हमने कुकर को पैक कर दिया है, सिर्फ 1 सीटी आएगी, सब्जी हमारी बन के रेडी हो जाएगी। तो फ्रेंड देखिए, 1 सीटी हो चुका है। अब हम इसे कुकर को उतार लेंगे गैस के चूल्हे से। अब हम इसे सब्जी को सर्व करेंगे। तो देखिए 1 सीटी आने ही वाली है। तो देखिए फ्रेंड, सब्जी बन के रेडी हो चुकी है। देखने में कितनी अच्छी है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। तो हम इसे सब्जी को सर्व करेंगे। तो ये देखिए, सब्जी बन के रेडी हो चुकी है। अब इसे पराठे से खाइए, रोटी से, चपाती से। इसमें मैगी मसाला पड़ने से सब्जी का टेस्ट जो है बढ़ गया है। इसका लुक देखिए बहुत अच्छा है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद है, तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।